बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिसमस दो अल्फाज क्रिस्ट और मैस से मिलकर बना है। क्रिस्ट मसीह अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मैस इज्तमा इकट्ठा होने को, यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना। मसीही इज्तमा या यौम मिलाद मसीह अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज़ तकरीबन चौथी सदी के करीब करीब पाया गया। इससे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलता। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। ईसाई दीन में ये साल की दो अहम तर ईदों में से दूसरा है। सबसे अहम त्यौहार ईस्टर कहलाता है। क्रिसमस अमूमी तौर पर सालाना 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ताहम मुसलमान उलमा ने तस्दीक की है कि ये इनका असली योम विलादत नहीं है। ईसाई त्यौहारों में क्रिसमस का दिन ऐसा ही समझा जाता है जैसे मुसलमानों में ईद का दिन, क्योंकि ये ईसाइयों का सालाना त्यौहार है जो 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। इस खुशी में केक काटे जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से खुशी का इजहार किया जाता है। ईस्टर के मुतल्लिक ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो वो 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए, और चूंकि ये 21 मार्च की तारीख थी इसलिए इस खुशी में ईसाई 21 मार्च को या इसके फौरन बाद आने वाले इतवार को ये त्यौहार मनाते हैं। याद रहे कि ये वही दिन है जिसे हिंदू बतौर बसंत मनाते हैं। मिस्र और आयरलैंड के लोग ईस्टर को ऑस्टर कहते हैं, जिसका मतलब है बहार की देवी। इसका मतलब है कि इनके यहाँ ये बहार की देवी की तकरीब होती है। क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री को भी बहुत अहमियत हासिल है, जबकि ये तसव्वुर जर्मनियों का पैदा करता है। ये लोग क्रिसमस के दिन हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का करदार मुख्तलिफ अदाकारों के ज़रिए एक ड्रामे की शक्ल में पेश करते हैं और तमाम वाक़ियात दोहराते हैं जो मरियम सलामुल्लाह अलैहा के साथ मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत के ज़मन में पेश आया, और इस वाक़े के दौरान दरख्त को मरियम सलामुल्लाह अलैहा का साथी बनाकर पेश किया जाता है कि वो अपनी सारी उदासी सारी तन्हाई इस दरख्त के पास बैठकर गुजार देती हैं। चूंकि ये दरख्त भी स्टेज पर सजाया जाता है और ड्रामे के अख्ताम पर लोग इस दरख्त की टहनियाँ तबर्रुक के तौर पर उखेड़ कर साथ ले जाते और अपने घरों में ऐसी जगह लगा देते जहां उनकी नज़रें उस पर पड़ती रहें। ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस ट्री की शक्ल अख्तियार कर गई और लोगों ने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री बनाने और सजाने शुरू कर दिए। इस इर्तकाई अमल के दौरान किसी सितम ज़रीफ ने उस पर बच्चों के लिए तहाइफ भी लटका दिए, जिस पर ये तहाइफ भी क्रिसमस ट्री का हिस्सा बन गए। क्रिसमस ट्री की बिद्दत 19वीं सदी तक जर्मनी तक महदूद रही। 1847 ईस्वी को बरतानवी मलका विक्टोरिया का खावंद जर्मनी गया और इसे क्रिसमस का त्यौहार जर्मनी में मनाना पड़ा, तो उसने पहली मर्तबा लोगों को क्रिसमस ट्री बनाते और सजाते देखा। उसे यह हरकत बहुत अच्छी मालूम हुई, लिहाजा वो वापसी पर एक ट्री साथ ले आया। 1848 ईस्वी में पहली मर्तबा लंदन में क्रिसमस ट्री बनवाया गया, जो एक दोहेकल क्रिसमस ट्री था जो शाही महल के बाहर सजा दिया गया। 25 दिसंबर 1948 को लाखों लोग ये दरख्त देखने लंदन आए और इसे देखकर घंटों तालियां बजाते रहे। इस दिन से लेकर आज तक तकरीबन तमाम ममालिक में क्रिसमस ट्री हर मसीही घर में सजाया जाता है। क्रिसमस के मौका पर एक और ख़ास और काबिले ज़िक्र चीज़ है, वो है सुर्ख कपड़े पहने, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी सजाए और कंधे पर लाल थैला उठाए क्रिसमस फादर या सेंटा क्लॉज, जो बच्चों के लिए तोहफे लेकर आता है। इसलिए क्रिसमस के मौका पर उसका बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। शुरू शुरू में जब 25 दिसंबर की तारीख आती तो चर्च में एक इज्तमा होता। एक पादरी साहब खड़े होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और आप अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करते, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने सोचा कि हम पादरी की तकरीर तो करा देते हैं, मगर वो खुश किस्म की तकरीर होती है, जिसका नतीजा ये है कि नौजवान और शौकीन मिजाज लोग तो इसमें शरीक ही नहीं होते, इसलिए इसको ज़रा दिलचस्प बनाना चाहिए ताकि लोगों के लिए दिलकश हो, और इसको दिलचस्प बनाने के लिए इसमें मौसीकी होनी चाहिए। चनाचे इसके बाद इसमें मौसीकी पर नज़में पढ़ी जाने लगी। फिर उन्होंने ये देखा कि मौसीकी से भी काम नहीं चल रहा तो इसमें नाच गाना भी शामिल कर लिया गया। फिर सोचा कि इसमें कुछ तमाशे भी होने चाहिए, चनाचे हंसी मजाक और खेल तमाशे भी शामिल कर लिए गए।
चनाचे होते होते ये हुआ कि वो क्रिसमस जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात बयान करने के नाम पर शुरू हुआ था, अब वो आम जश्न की तरह एक जश्न बन गया। और इसका नतीजा ये है कि नाच गाना, इसमें मौसीकी, शराब नोशी, कुमारबाजी और जुआ, सब कुछ इसमें क्रिसमस के नाम पर शामिल हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पीछे रह गई। अब आप देख लीजिए कि मगरबी ममालिक में जब क्रिसमस का दिन आता है तो इसमें क्या तूफान बरपा होता है। अफसोस के मशरक भी अब इसकी पूरी निकाली करने लगा है और ये सब कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के योम पैदाइश के नाम पर हो रहा है। इसलिए उलमा इस्लाम ने इन त्योहारों में मुसलमानों को शरीक होने से रोका और ताकीद की है कि मजहबी रवादारी बहुत उम्दा चीज़ है, लेकिन अगियार के ख़ास मजहबी अमूर में शिरकत दुरुस्त नहीं है, मुसलमानों के लिए ये जायज़ अमल नहीं है।